मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा, बिल्कुल। ये बात ज़रा अब हो रही है तो ज़रा मेहरबानी करके तोजो से सुने। उन्होंने कतअन मुझे किसी, यानी वो राहिल जो उनका दामाद है, हमारा दामाद है, उसकी ना कोई सिफारिश की, ना कोई उन्होंने फेवर मांगी मुझसे। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इंपोर्ट की है पीटीआई के दौर में, ये मेरे दौर में इंपोर्ट नहीं हुई, हमें तो आए अभी जुमा जुमा 8 दिन हुए हैं, तो ये उस पीटीआई के दौर में ये आदि मशीनरी इंपोर्ट की गई। अब मुझे बताएं आप सब बैठे हैं, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आपने एक आदि मशीनरी एक मुल्क से मंगा ली हो, अरबों रुपये खर्च कर ली हो, मुझे नहीं पता वो बैंकों से कितना लोन लिया, उनकी अपनी इक्विटी कितनी है वो तो खुद बताएंगे, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। तो उन्होंने उसके तनाजर में ये अपनी एप्लीकेशन दी। डॉक्टर तौकीर ने मुझसे बात की और डॉक्टर तौकीर ने मुझे कहा कि जी ये चूँकि बैन हो चुका है तो ये बात जाएगी ये ECC में और फिर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसको फिर कैबिनेट में जाएगी, और बिल्कुल यही तरीका है। तो हमने मशवरा किया कि ये अपना देखना, अगर मुझे इजाज़त देनी होती तो फिर सबके लिए हम करते, हिंदुस्तान के साथ मामला था, हिंदुस्तान जो है वो अपना 5 अगस्त का जो मामला 2019 का, वो जो कश्मीरियों के साथ जो उसने जुल्म किया है और जो दिन रात वहाँ पर शहीद होते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। तो हम इसको कैबिनेट में लेके जा सकते थे, ECC की अप्रूवल के बाद लेके जा सकते थे, तो हमने इसको मुनासिब नहीं समझा कि हम इसको लेके जाएं। और हमने कहा कि मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी को मैं खुद बता दूंगा, मैं डॉक्टर साहब को मैंने कहा कि आप भी बता दें, तो बताइए इसमें क्या गलत बात है, मतलब ये कोई इसके मुकाबले में कोई जो हीरे जवाहरात की जो पेशकश होती रही, वो तो उसकी ऑडियो में इसकी बात आपने सुनी कि वो अबू जी वो 2.5 कैरेट नहीं, वो कहते हैं पता नहीं 5 कैरेट मुझे चाहिए या पता नहीं कितने कैरेट चाहिए, और फिर उसके बाद जो ज़मीनें दी गई उनको अपना मुराद के तौर पर 190 मिलियन पाउंड का, जो अपना बरतानिया का NCA ने जो पाकिस्तान को भिजवाया वो उनके तोहफे में दे दिया, मैंने तो 1900 रुपये नहीं दिए, मैंने ना मैंने अपना हीरे जवाहरात की वो बात, आपने टेप में हीरे जवाहरात की बात सुनी, उसके बाद आप करते नहीं हैं, ये आप लेके बैठ गए जहाँ पर ना कोई फेवर है, ना कोई फेवरेटिज्म है, ना कोई सिफारिश है, ना कोई काम किया गया, बल्कि माजत कर ली गई कि भाई ये मजबूरी है, ये नहीं हो सकता, कानूनी तौर पर मैं कर सकता था और कानून का मंशा यही था कि आप ECC में जाएँ समरी लेके, फिर काबीना में ले आए, ना ECC में गए ना कबीना में गए।